देवशयनी एकादशी। इस दिन श्री भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन अगर जगत के पालनहार अगर सो गए तो पृथ्वी का तो अंत हो जाएगा। पृथ्वी को इस संकट से बचाने के लिए देवताओं ने एक हल निकाला। देवशयनी एकादशी के 4 दिन बाद आती है गुरु पूर्णिमा। अब 4 दिन गुरुदेव ने संभाले, उसके अगले दिन ही श्रावण लग जाता है और सावन के पूरे माह की भगवान शिव संभालते हैं। फिर 19 दिन भाद्र पक्ष के श्री कृष्ण संभालते हैं और फिर आई गणेश चतुर्थी। इन 10 दिनों में गणपति बाबा संभालते हैं। फिर आई पितृदेवों की बारी, 16 दिन पितृदेवों ने संभाला और इसके बाद आते हैं नवरात्रे। इन 9 दिनों को माँ जगत जननी वैष्णो माँ ने संभाला। फिर आई माँ लक्ष्मी की बारी, दीपावली के 20 दिन माँ लक्ष्मी ने संभाला और सबसे आखिरी के 10 दिन संभाले कुबेर जी ने। और फिर आती है देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से जाग जाते हैं और फिर से पृथ्वी का कार्यभार संभाल लेते हैं। इतना खूबसूरत है ना अपना सनातन।